गाइस आज शादी है और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुआ। ओ मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, रिलेटिव की है। ठीक है बे साले, आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा फुल डे ऑफ ईटिंग, शादी स्पेशल। गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी दिनचर्या। सुबह के दोपहर के 2:30 हो रहे हैं, अपन नहाए भी नहीं है क्योंकि शाम को जाना शादी में, अच्छे से शाम को ही नहाएंगे बढ़िया से। और अभी सबसे पहले खाएंगे फर्स्ट मील फॉर द डे। चलिए गाइस, मतलब पहली मील पोहा बनाने जा रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर के घर पे पोहा नहीं है, बताओ कहीं नहीं है गाइस, कहीं पोहा ही नहीं रखा हुआ है। प्लान चेंज, बनाया जाएगा ओट्स। अभी सबसे पहले एक पैन लिया है और जीरो पे सेट कर दिया इस मशीन को। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अभी ये नॉन स्टिक है वैसे, लेकिन थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसमें वो डालनी है, क्या बोलते हैं, राई डालनी है। क्या मस्त तड़क रही है अभी। अभी जैसे ही तड़कने लग जाए उसके बाद में इसके अंदर डाल देना प्याज और हरी मिर्च, अपने हिसाब से काट सकते हो। मैंने तो बड़ा बड़ा काट लिया प्याज को क्योंकि जल्दी से नहाने भी जाना है, तो इसको डाल देते हैं इसके अंदर। चलो भाई, चलो चलो, क्लियर हो गया करना है। ये जो ओट्स है, इन ओट्स में से अपन लेंगे 50 grams। ठीक है, नापा हुआ है सब कुछ, मतलब कितना कितना खाना है, तो 50 grams ऑफ ओट्स ले लेंगे, हो गए। ठीक है, और इसको डाल देंगे इसके अंदर। में गई लाल मिर्च और हल्दी डाल देंगे थोड़ी बहुत, थोड़ा सा गरम मसाला और लास्ट में थोड़ी सी ब्लैक पेपर, जिसको आप काली मिर्च भी बोलते हो। इसमें डाल देंगे सॉल्ट और इसके साथ में डाल देंगे पानी। एक और चीज़ कि मैं सब्जियों की कैलोरीज ट्रैक नहीं करता हूँ, और इसमें बाय द वे 5 mm ऑयल था और अभी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा थिक होने लगे हैं। थोड़ी देर और पकाएंगे और ये बनके तैयार है। सो गाइस, मील नंबर 1 में है अपने पास में 2 scoops तो वे प्रोटीन के, है ना, सॉल्टेड कैरेमल, और यहाँ पर है अपने पास में ओट्स जो अपन ने बनाए थे। अभी मैं खुद भी इसको पहली बार ही खा रहा हूँ तो मेरे को भी आइडिया नहीं है इसका टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि मैं पोहा बनाना चाह रहा था। गुड, पता है शादियों के अंदर है लड़कों के लड़कियों के रोल डिवाइडर रहते हैं। तो लड़कियों को क्या रहता है कि यार अपनी ड्रेस दिखाने से फुर्सत नहीं मिलती है ना, बाहर भले ही बर्फ पड़ रही हो लेकिन स्लीवलेस पहन के जाएंगी तो पहन के जाएंगी, ठीक है। और लड़कों को क्या रहता है कि यार बढ़िया वाला खाना मिल रहा है, गुलाब जामुन होना चाहिए, रसगुल्ले होने चाहिए, मजा आ जाएगा खा के और लाइफ सेट हो जाएगी, ये रहता है, ठीक है। लेकिन ठीक है यार, अब शादियों का टाइम मिलता है लड़कियों को दिखाने के लिए, बढ़िया बात है। अच्छा, आज का जो प्लान है वो लगभग 2500 कैलोरीज के आसपास का होने वाला है, तो मैंने सब कुछ पहले ही ट्रैक कर लिया था, पहले ही प्लान कर लिया था, और आपको भी यही करना है, ठीक है। माई फिटनेस पेल हो गया, हेल्दी फाई मी हो गया, या फिर गूगल हो गया, उसकी मदद से आप कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो। तो मुझे पता है कि मैं क्या खाने वाला हूँ, है ना, कब क्या खाने वाला हूँ, तो यही आपको करना है ताकि आप स्मार्टली खा सको और सब कुछ खा सको। ना तो मैं तैयार हो गया हूं, और इट्स टाइम टू हैव सेकंड मील फॉर द डे, जिसको लेने के लिए मैं जा रहा हूं फटाफट से रिलायंस फ्रेश। आई विश कि यहां पे पनीर मिल जाए, ठीक है। तो अपन लेंगे सोया, मतलब कि टोफू बेसिकली, ठीक है। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट कम होता है, इसलिए देखोगे तो इसमें प्रोटीन है लगभग 16 ग्राम और फैट है 1.5 ग्राम के आसपास, विच इज़ वेरी लेस। भैया इसका बिल कर दो, कितने का है। अभी लेनी सेकेंड मील दिन की, जो कि होने वाला है टोफू, ठीक है। 100 ग्राम टोफू लूँगा मैं, और अभी मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा हूँ लिटरली, फटाफट चलते हैं 100 ग्राम टोफू और फिर शादी में। अभी मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत हड़बड़ाहट में कर रहा हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम सोया पनीर होगा, इसे खाना है और चलते हैं फटाफट। जल्दीबाजी में मसाले वाला टोफू उठा के लिया हूँ, बट टेस्टी है, अब होता है हड़बड़ाहट में ऐसे का। गाइज अभी शादी में जाने से पहले एक रिलेटिव की शॉप पे आए, वहाँ जाएंगे, शूज की शॉप है, ये रही आर के लेदर्स करके। क्या रेंज है ये, 2000 किस रेंज में होगा ये, भी लेदर में आता है क्या, प्योर लेदर में, तो ये साइज मेरा ही है क्या। कितना टाइम हो गया भैया शॉप को, शॉप को तो सर हो गया एक्चुअली, गई अभी करवाई है, पहले इंडिया की रात के लिए अपने लिए लोफर्स लिए और मम्मी या सिस्टर ने शॉपिंग करी है थोड़ी बहुत, और अब चलते हैं फटाफट से शादी में। So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing that
there's nowhere to go. Cause I am happy on this island. Guys, मैं सोच रहा हूँ अब इन पुराने वालों के बजाय ये जो नए वाले खरीदे हैं ये वाले ही पहन लेते हैं, काफी अच्छे लगेंगे अटायर के साथ में, क्योंकि दोनों मैच भी करेंगी। इनको उठाते हैं और रख देते हैं इनके अंदर, ठीक है? That's it. So guys, finally शादी में पहुंच गए और अभी मस्त वाला खाना पेरने वाले हैं। शादी में तो बस बादाम का शेक मिल जाए। क्या खुशबू आ रही है तगड़ी वाली खाने की अभी। गाइज ये जो है सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है, अगर आप शादियों में भी आ रहे हो आपकी डाइट भी मेंटेन रहेगी और बढ़िया चीज है पीने के लिए, दूध एकदम गर्मा गर्म, दूध के साथ में बेस्ट जाती है गर्मा गर्म जलेबी। तो अभी तक मैंने जलेबी खाई है, दूध पिया है, दोनों ही बहुत मस्त है। और उसके अलावा अभी मैं जूस पीने के लिए जा रहा हूँ, कैलोरीज सबकी एक साथ बता दूंगा मैं आपको, है ना, लास्ट में बिल्कुल। कौन कौन सा है भैया? ये पान का है, वो अच्छा ये बस पान का है ना, ये शेयर्स कर। गाइस पान वाला शेक क्या तगड़ा शेक था एकदम, एक और ले लिया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। खाने में क्या क्या है एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है कॉर्न पालक, यहाँ पे है चावल जो कि मैं लेने वाला हूँ, और ये है नमकीन राइस जो कि मैं नहीं लूँगा, और ये है नमकीने जो कि मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। ये रही हमारी प्लेट गाइस, अभी तुम्हें पता नहीं है शादी में कितने जने घूर रहे हैं कैमरा लेने पे। यहाँ पे अचार है हर जगह पे, लेकिन अचार मैं खाऊंगा नहीं, ये आप खा सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं लूँगा सिर्फ और सिर्फ एक तो ये बीट रूट और इसके साथ में थोड़े बहुत क्यूकम्बर, ठीक है, ले लिया है। रात बरात की आवाज़ आई गई होगी आपको। ये क्या चीज़ है अंकल, ये क्या चीज़ है? बाटी या कड़ी दे दो। ऑलरेडी पूरी भर गई है प्लेट, खाना अपन ने खा लिया है, अभी मीठे की और बारी है, तो मीठा खाते हैं हम फटाफट से, काफ़ी सारी कैलोरीज बचा रखी ताकि मीठा खा सकूं। रसमलाई, लो भैया मूंग बादाम हलवा, एंड इसके अलावा गुलाब जामुन है, और आई थिंक केक है, केक अपन नहीं लेंगे, ठीक है, केक खास नहीं होते शादी वाले, एक गुलाब जामुन और ले लेंगे। ये हो गया अपना मीठे का प्लेट जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। शादी के अंदर सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होता है ना, वह इस टीवी स्क्रीन के अंदर आ जाना, अगर आप आ गए ना तो आप सबसे लकी इंसान में से एक हो। शादी से हम आ गए और अभी जा रहा हूँ घर पे, अभी भी एक मील लेनी बच रही है वो लेंगे। अभी ड्रेस प्रेस मैंने चेंज कर ली, और एक चीज आपसे शेयर करता हूँ, ये आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हम क्या करते हैं ना, अपनी डाइट को प्रॉपर रखने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी क्या होता है अपन ग्रीन्स खाना छोड़ देते हैं, या तो है ना सब्जियां पसंद नहीं होती यूजुअली बहुतों को, और उससे फिर विटामिंस नहीं आते, मिनरल्स नहीं आते प्रॉपर। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कोई अच्छा सा मल्टीविटामिन हो गया या फिर मल्टीग्रीन्स हो गया उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे को भी पर्सनली सही लगता है ये चीज, है ना, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो उस केस में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप किसी विटामिन मल्टीविटामिन में इन्वेस्ट करें या मल्टीग्रीन्स में इन्वेस्ट करें। और रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया यूज करना बोल्ड फिट की तरफ से मल्टीविटामिंस, ठीक है, ये वेजिटेरियन है, ग्लूटेन फ्री है और सोया फ्री है, और इसके अलावा मैं जिसके लिए एक्साइटेड हूँ वो है ये मल्टी ग्रीन्स, इसमें 20 टैबलेट्स आती हैं, और अगर आपने ये ले ली ना एक टैबलेट तो आपके पूरे दिन भर की ग्रीन्स कवर हो जाएगी, मल्टी विटामिंस कुछ लेने की नीड नहीं है। तो दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट है ना, इसको अभी अपन अभी के भी टेस्ट करेंगे, अभी ग्लास में ले आऊँ, इसमें एक टैबलेट इसका डालेंगे, पानी डालेंगे और टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ा सा पानी इसमें अपन डाल देंगे अपनी जो मल्टी ग्रीन थी वो, और देखते हैं कैसा कलर आता है। भाई तगड़ी सोडा की जैसे हो रही है दिखता है ये, बिल्कुल प्रॉपर सोडा जैसे नहीं होता, बिल्कुल वैसा हो रहा है। अभी देखो आपको इसके अंदर बबल्स से दिख रहे होंगे, ठीक है, तो ये क्यों दिख रहे हैं, ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये जो है अगर आप ध्यान से इसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे ना तो इसमें लिखा हुआ है
एसिडिटी रेगुलेटर भी डाला हुआ है इसमें, तो इसकी वजह से इसके अंदर आते हैं, मतलब एसिडिक नेचर को भी कम करता है ये। अभी ये जो है प्रॉपरली मिक्स हो गया, अब इसको टेस्ट करते हैं कैसा है ये। टेस्ट वाइज तो यार किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को बीट कर सकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और थोड़ा सा स्वीट भी है, तो नींबू पानी के जैसा लगता है, मस्त एकदम। तो लास्ट मील के अंदर वही 100 ग्राम जो है सोया पनीर है, उस पर थोड़ा बहुत केचप लगाया बहुत ही हल्का सा टेस्ट के लिए। और यहाँ पर मेरे पास में शिट क्या हो गया, यहाँ पर मेरे पास में एक स्कूप वे प्रोटीन, ठीक है, जो कि सॉल्टेड कैरेमल फ्लेवर का, अगेन प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अभी मैंने शादी में क्या क्या खाया था उनकी कैलोरीज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला मैंने राइस खाया था, ठीक है, लगभग 150 ग्राम्स के आसपास कुक्ड राइस था। कैसे पता लग रहा है, मैं अपनी हर चीज़ वे करता हूँ ऑलमोस्ट हमेशा ही, तो मेरे को आइडिया है कि मैंने कितना खाया ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने पालक कॉर्न की सब्जी खाई थी, काफ़ी ज़्यादा खाई थी क्योंकि पालक हेल्दी होता है, ठीक है, और कॉर्न भी था उसके अंदर, और ये लगभग 200 ग्राम्स के आसपास मैंने खाई थी, ठीक है। फिर उसके साथ आपने देखा होगा मैंने सैलेड लिया था, सैलेड की मैं कैलोरीज एज सच काउंट नहीं करता हूँ। फिर एक छोटा सा बाटी का पीस लिया था अगर आपको याद हो तो, है ना, वो मैंने हालांकि इतनी कुछ खास खाई नहीं है, लेकिन जस्ट टू बी सेफ मैंने 10 ग्राम्स ऑफ ऑयल ऐड कर लिया पहले से ही। हो सकता है सब्जी में ज़्यादा हो तेल, ठीक है, हो सकता है बाटी के अंदर तेल ज़्यादा, तो जस्ट टू बी सेफ 10 ग्राम्स ऑफ ऑयल पहले ऐड कर लिया। इसके बाद में फिर मैंने खाया था रस मलाई, ठीक है, और स्वीट्स में फिर खाया था आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसे खाई थी मैंने, एक तो मैंने आइसक्रीम ही खाई थी प्रॉपर बटर स्कॉच वाली, जिसको मैंने एज सच आपको दिखाया नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया था उसको। इसके अलावा मैंने खाई थी जलेबी, जो कि बहुत हल्की थी, 25 ग्राम्स के आसपास की जलेबी होगी, और दूध पिया था अगर आपको याद हो तो, वो 200 ml वाला ग्लास था, तो 200 ml दूध पिया था, सरस का दूध था, टोन मिल्क जो ब्लू वाला था वो वाला था, मैंने देखा था वहाँ पे। और उसके अलावा फिर अपन ने किया था पान शेक, ठीक है। अभी पान शेक को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो इनमें तीन चीज़ें मेन है। सबसे पहली चीज़ थोड़ा बहुत दूध गया होगा, ठीक है, उसके अलावा आइसक्रीम गई होगी, और मैं मान के चल रहा हूँ हर ग्लास में एक स्कूप आइसक्रीम का गया होगा, और उसके बाद में शुगर गई होगी। तो इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे आप जो है पान शेक की कैलोरीज अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। अभी डेफिनेटली पूरी तरीके से सही नहीं होगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेट करके कुछ हद तक तो आप सही पहुंच जाओगे कैलोरीज पे। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो कैलोरीज को, है ना। उसके अलावा फिर मैंने लिया था मूंग दाल का हलवा, ठीक है, मैंने गुलाब जामुन भी खाया था, लेकिन मैंने खाया नहीं था, सॉरी लिया था, बहुत ज़्यादा चाशनी वाला था, हैवी था, तो फिर मैंने नहीं खाया उसको। तो अभी जो पूरा डिवाइडेशन है वो मैंने इसी तरीके से किया है। तो इसके बेसिस पे जो कैलोरीज बैठ रही है वो लगभग 1600 कैलोरीज बैठ रही है शादी के अंदर जो मैंने खाया था खाना। अभी हो सकता है ये कुछ थोड़ी सी ज़्यादा लगा लियो मैंने अप्रॉक्सीमेशन, हो सकता है थोड़ा सा कम भी लगाया, लेकिन एटलीस्ट मैंने कैलोरीज काउंट करी है थोड़ी बहुत। तो जब भी आप बाहर जा रहे हो ना, तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा के चला करो, ताकि आप बिल्कुल ही अलग नहीं चले जाओ डाइट से। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ हेल्दी फाइव मी, और आप चाहो तो माई फिटनेस पर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो गूगल यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर लेबल्स पढ़ सकते हो चीज़ों के, है ना, डायरेक्टली कैलोरीज काउंट करने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस एक बार जो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उसी पे स्टिक करना, फिर मल्टीपल एप्लीकेशंस को बार बार स्विच मत करना, क्योंकि उनसे आप खुद ही कन्फ्यूज हो रहे। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, बाकी आपको पता ही है लाइफ बढ़िया चल रही है। Trees waiting